देख रहे हो सामने तस्वीरों को, फसल जलमग्न है। ये तस्वीरें ना ही बरसात के मौसम की हैं और ना ही बाढ़ की। ये तस्वीरें हैं लापरवाही की, ये तस्वीरें हैं भ्रष्टाचार की, ये तस्वीरें हैं बेशर्मी की, ये तस्वीरें हैं बेहयाई की। दरअसल ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के निगोही ब्रांच नहर राजबाह करेली की, जहाँ नहर में पानी तो छोड़ दिया गया लेकिन पानी छोड़ने से पहले स्थिति को नहीं भापा गया, और जब पानी छोड़ा गया तो उसका बहाव भी ठीक नहीं हुआ, जिस कारण राजबाह नहर कट गई और ना जाने कितने किसानों की फसल नष्ट हो गई। किसानों की फसल में पानी भरा हुआ है, किसान पंप सेट से पानी बाहर निकाल रहा है और लापरवाह अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठकर मजे ले रहे हैं। बेशर्म अधिकारी कह रहे होंगे जांच करवाएंगे, कर्मचारी सफाई देने में लगे होंगे। इस तरह की हरकतें करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से जिले के आला अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या करें साहब, हमारे पास तो जांच वाला अद्भुत ब्रह्मास्त्र जो है कि जांच चल रही है, किसानों का क्या जो पंप सेट से पानी बाहर निकाल रहे हैं। अगर यही पानी इन अधिकारी और कर्मचारियों के घर में भर दिया जाए तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी साहब, लेकिन जिसकी पूरी फसल, जिसकी पूरी मेहनत, जिसकी पूरी पूंजी ही नष्ट कर दी गई हो पानी भर के, उस पर क्या गुजर रही होगी। किसान भले ही छत के नीचे लेटा हो लेकिन सोच यही रहा होगा फसल बर्बाद हो जाएगी, पानी कैसे निकाले, किस तरह से इस पानी को बाहर निकाला जाए। लेकिन ऐसी हरकत करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं जाता, इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाती। साहब क्या करें, यहाँ तो जांच वाला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है इनके पास। अब ये कहेंगे कि जांच चल रही है, उसके बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर इनको नौकरी मिल जाएगी, फिर लापरवाही भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तर और अधिकारी कर्मचारियों पर सवार हो जाएगा, एक बार फिर इसी तरह कोई ना कोई किसान फसल नष्ट होने के बाद रोता बिलखता घूमेगा, क्योंकि इनकी हरकतों पर सही कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इनकी इस लापरवाही पर इन्हें दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनकी इस बेशर्मी पर इन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अधिकारी कर्मचारी इसी तरह लापरवाही दिखाते रहते हैं और किसानों का नुकसान होता रहता है। फिलहाल अब देखना होगा इन किसानों को कब न्याय मिलेगा, कब जिले के आला अधिकारी इन भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे। आप देख रहे हैं यूपी अपडेट, खबरों में रहना है नंबर 1, तो देखते रहिए यूपी अपडेट 24x7।